सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज देखिए भारत में कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, पर मेरे देश में अभी IPL चल रहा है। मुझे जरा ये बताओ कि अभी भारत को IPL की जरूरत है या ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की जरूरत है? जितना खर्चा IPL में किया गया, इतना यदि हॉस्पिटल बनाने में किया गया होता तो आज भारत की ये स्थिति ना होती। पर भारत के लोगों को तो IPL चाहिए। बता दो मुझे कोई भी, आज क्या IPL की जरूरत है, क्रिकेट की जरूरत है? और टीवी में धड़ल्ले से गुटखा खाने का प्रचार चल रहा। गुटखा का प्रचार आता है ना, आता है ना? मतलब आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, गुटखा खाओ। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सुपरस्टार गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, दाने दाने में केसर का दम दिखा रहे हैं। आजकल का युवा अपने रास्तों से भटक रहा है। कारण कौन है, कौन है वो लोग जो आपके बच्चों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आज के युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? क्योंकि आज के बच्चे जहां जुड़े हुए हैं, IPL से जुड़े हैं और टीवी से जुड़े हुए हैं, और वहां ये गंदी गंदी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए आप अपने बच्चों का, मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूं, ध्यान रखें। उन्हें ऐसे संस्कार दें कि वो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मांस, शराब, इन सबसे जुआ, इन सबसे कोषों दूर रहें, और आपका बेटा आपके लिए, आपके देश के लिए कुछ करके दिखाए। इतनी योग्यता दो बच्चों को, इतने संस्कार से भर दो कि आपके बच्चे कभी रास्ते भटके ना। मेरी इतनी प्रार्थना है, मैं बस यही चाहता हूं मेरे देश का युवा रास्ता ना भटके। आज मैं देखता हूं मेरे भारत का युवा चाय की दुकान में बैठकर सिगरेट पी रहा है। आज मैं देखता हूं मेरे देश का युवा गुटखा की गुट पाउच खोलता है, पूरा का पूरा गुटखा मुंह पे झड़ाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इनसे, इन जवानों का उद्धार होगा? इनसे इनकी गति होगी? इनसे इनका कल्याण होगा? इन आदतों से क्या इनका और इनके परिवार का भला होगा? जरा विचार कीजिए। और आज टीवी, अब बताओ टीवी पे गुटखा का प्रचार सरकार को रोकना चाहिए क्या? इस ये गंदी चीजों का प्रचार टीवी पे क्यों दे रहे हो भाई? टीवी सब लोग देखते हैं, उसमें गुटखा का प्रचार देने की क्या जरूरत है? क्या अच्छी चीज है? कोई विरोध नहीं करता, कोई रोकता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं। वो दिन दूर नहीं जब कल से टीवियों पर शराब का प्रचार शुरू हो जाएगा। अभी भी आता है शराब का प्रचार, आता है ये शराब पियो। अब देखो शराब का प्रचार टीवियों पर चल रहा है, गुटखे का प्रचार टीवियों पर चल रहा है। क्या होगा? मैं तो सिर्फ आपको सावधान करता हूं, मेरे देश में IPL की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है, अच्छे विद्यालयों की जरूरत है, IPL की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे आप समझिए आपको अपने बच्चों को किस रास्ते पर लेकर जाना है।